गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने नए वीडियो के साथ। आज हम आपको विश्व के मानचित्र के बारे में बताएंगे, जो कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर तीनों ईयर के स्टूडेंटों के लिए कारगर साबित होगा। तो आज हम शुरू करते हैं अपना नया वीडियो नए टॉपिक के साथ, जो कि विश्व के मानचित्र में लगभग वही क्वेश्चन आपसे भरवाए जाते हैं। आज उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। पर्वत श्रृंखला में सबसे पहले देखें महाद्वीप देख लेते हैं। ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ये है यूरोप, ये है एशिया, ये है अफ्रीका महाद्वीप, ये है ऑस्ट्रेलिया। और यहां पर ये बच जाता है, ये है अंटार्कटिका महाद्वीप। इस प्रकार ये महाद्वीप हो गए। इन महाद्वीपों में जो पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो पर्वत श्रृंखला पाई जाती है वो पाई जाती है रॉकीज पर्वत श्रृंखला। कौन सी पाई जाती है? रॉकीज पर्वत श्रृंखला। इस रॉकीज पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है वो चोटी है माउंट मोसिनले। जो कि आपको मैप में भरवाने के लिए पूछा जाता है कि रॉकीज पर्वत श्रृंखला कहाँ है, तो रॉकीज पर्वत श्रृंखला है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। इस रॉकीज जो पर्वत श्रृंखला है इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट मोसिनले। उसके बाद में बात करें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो पर्वत श्रृंखला पाई जाती है वह है एंडीज पर्वत श्रृंखला। का नाम क्या है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। तो आपसे पूछा जाता है एंडीज पर्वत श्रृंखला को दर्शाइए, तो एंडीज जो पर्वत श्रृंखला पाई जाती है वो कहां पाई जाती है? वो पाई जाती है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। इस एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी का नाम है वो क्या है? माउंट एकाकांगवा। तो ये पूछा जा सकता है एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ है, तो कौन से महाद्वीप में स्थित है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। इस एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची जो चोटी का नाम है वो क्या है? माउंट एकाकांगवा, जो कि अर्जेंटीना में है। उसके बाद बात करें अफ्रीका महाद्वीप की, देखें तो अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पाया जाता है वो पाई जाती है माउंट किलिमंजारो, जो कि तंजानिया देश में है। तो अफ्रीका महाद्वीप का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर पाया जाता है वो पाया जाता है माउंट किलिमंजारो, जो कि तंजानिया देश में है। उसके बाद बात करें यूरोप महाद्वीप की, तो यूरोप महाद्वीप में जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी पाई जाती है वो पाई जाती है एल्बुर्ज, जो कि काकेशस पर्वत में एल्बुर्ज जो चोटी है सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है। फिर बात करें एशिया महाद्वीप की, तो एशिया महाद्वीप में सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। उसके बाद बात करें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो पर्वत श्रृंखला पाई जाती है वो पाई जाती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कौन सी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इंपॉर्टेंट है, लगभग एग्जामों में पूछी जाती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है, तो कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में। इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी का नाम है वो क्या है? माउंट कोसियुस्को। माउंट कोसियुस्को। उसके बाद बात करें यूरोप महाद्वीप में, यहां पर है
आल्पस पर्वत। इस आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट ब्लोब। माउंट ब्लोब। उसके बाद एक नवीन वाली पर्वत यहां पर पाया जाता है, एटलस। कहां पर पाया जाता है? अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है एटलस। इस एटलस की जो सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट टोपोकल। इस प्रकार ये मेन मेन पर्वत श्रृंखलाएं हो गई, पर्वत चोटियां। दोबारा फिर देखते हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की में रोकीज पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, सबसे ऊंची चोटी माउंट मोसिनले। उसके बाद दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, माउंट एकाकांगवा सबसे ऊंची चोटी है जो कि अर्जेंटीना में पाई जाती है। फिर अफ्रीका महाद्वीप की बात करें, माउंट किलीमंजारो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। एटलस जो पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट टोपू कल। उसके बाद में यूरोप महाद्वीप की बात करें तो एल्बुर्ज सबसे ऊंची चोटी है, माउंट ब्लोक जो कि आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। इधर बात करें एशिया महाद्वीप की, एशिया महाद्वीप में माउंट एवरेस्ट जो कि सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। जबकि ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो पर्वत श्रृंखला पाई जाती है वो पाई जाती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट कोसी यूस्को। जो मरुस्थल पूछे जाते हैं उनमें सोनारन मरुस्थल, माजे मरुस्थल कहाँ है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आटाकामा जो कि शुष्कतम मरुस्थल है, पेटागोनिया जो कि शीतोष्ण मरुस्थल है, तो ये पूछे जाते हैं। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल पाया जाता है कौन सा है? सहारा का मरुस्थल। तो सहारा का मरुस्थल है ये कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका महाद्वीप में। उसके बाद बात करें कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? ये भी अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। उसके बाद बात करें एशिया महाद्वीप की, तो एशिया महाद्वीप में एक पाया जाता है गोबी का मरुस्थल, जो कि गोबी का मरुस्थल है ये चीन और मंगोलिया दोनों देशों में इसका विस्तार पाया जाता है। एक पाया जाता है टकला माकन मरुस्थल जो कि चीन में पाया जाता है। भारत की बात करें तो भारत और पाकिस्तान में संयुक्त रूप से पाया जाता है थार का मरुस्थल। अब बात करें ये है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर के नीचे यहां पर है ईरान, तो ईरान में पाए जाते हैं दस्त ए कबीर और 92 लूते। ये दोनों के दोनों जो मरुस्थल हैं कहाँ पाए जाते हैं? ईरान में। जबकि एक पाया जाता है रब उल खाली, ये मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है सऊदी अरब में। अब बात करें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में यहाँ पर जो मरुस्थल पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भाग में, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल एक पाया जाता है, ग्रेट सैंडी एक पाया जाता है, गिप्सन और एक पाया जाता है सिप्सन। तो ये मरुस्थल हैं विश्व की जो लगभग की एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे विश्व के जो घास के मैदान पाए जाते हैं, विश्व के घास के मैदान पाए जाते हैं उनकी बात करते हैं। तो जो पहले बात करेंगे शीतोष्ण घास के मैदान, शीतोष्ण के घास के मैदान कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जैसे एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप में जो शीतोष्ण घास का मैदान पाया जाता है वो पाया जाता है स्टेपीज घास का मैदान। अब बात करें उत्तरी अमेरिकी, उत्तरी अमेरिका में जो घास का मैदान पाया जाता है वो पाया जाता है प्रेरीज घास का मैदान, जो कि शीतोष्ण घास का मैदान है। अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में वेल्स पाया जाता है जो कि शीतोष्ण घास का मैदान है। जबकि ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास का मैदान पाया जाता है जो कि शीतोष्ण है। दक्षिण अफ्रीका की, अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका में पंपास जो घास का मैदान पाया जाता है ये भी कैसा है? शीतोष्ण घास का मैदान है। इस प्रकार ये घास के मैदान हो गए शीतोष्ण। जैसे एशिया महाद्वीप में, एशिया और यूरोप दोनों में संयुक्त रूप से पाया जाता है स्टेपीज घास का मैदान।
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है प्रेरिज घास का मैदान, दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है पंपास घास का मैदान, अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है वेल्स घास का मैदान, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है डाउन्स घास का मैदान। तो ये हो गई शीतोष्ण घास के मैदान। अब उष्ण घास के मैदानों की बात करें तो यहां पर वेनेजुएला है, वेनेजुएला में पाया जाता है लानोज घास का मैदान। तो लानोज घास का मैदान है ये कहाँ पाया जाता है, वेनेजुएला में है, जबकि ब्राजील में पाया जाता है कंपाज घास का मैदान, कंपोज घास का मैदान है। इसके बाद बात करें अफ्रीका महाद्वीप में जो उष्ण घास का मैदान पाया जाता है वो पाया जाता है सवाना घास का मैदान। इस प्रकार ये घास के मैदान हो गई। अब बात करते हैं विश्व की जो मेन मेन नदियां पूछी जाती हैं, नदियों के बहाव क्षेत्र पूछे जाते हैं उनके बारे में। एशिया महाद्वीप में बात करें तो एशिया महाद्वीप में जो विश्व की जो नदियों के बारे में बात करें तो एशिया महाद्वीप में जो सबसे बड़ी नदी पाई जाती है वो पाई जाती है यांगटी सी क्यांग। तो ये पूछा जा सकता है यांगटी सी क्यांग नदी का बहाव क्षेत्र कहाँ है। उसके बाद करें बात तो यूरोप की, यूरोप की जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है, वोल्गा, जो कि कैस्पियन सागर में, ये है कैस्पियन सागर, तो कैस्पियन सागर में अपना जल गिराती है। इधर से आती है ये यूराल नदी, एक है यूरोप में डेन्यूब नदी, तो डेन्यूब नदी अपना जल कहाँ गिराती है, ये है काला सागर, इस काला सागर में अपना जल गिरा देती है। अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में जो मेन नदी है सबसे बड़ी, विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है ये है नील नदी, जो कि अपना जल कहाँ गिराती है, भूमध्य सागर में। बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मर्रे और डार्लिन, जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है मर्रे डार्लिन। उसके बाद बात करें अमेरिका महाद्वीप की तो अमेरिका महाद्वीप में मिसिसिपी मिसौरी, मिसिसिपी जो मिसौरी नदी है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है, अमेजन नदी। तो इस प्रकार ये विश्व की नदियां हो गई मेन मेन जो कि मानचित्र में पूछा जाता है। अब आगे बात करें सागर और महासागरों की, तो ये जो ये पाया जाता है उत्तरी जो अफ्रीका है और नीचे दक्षिणी यूरोप के मध्य में जो सागर पाया जाता है ये है भूमध्य सागर, ये है अजोब सागर, ऊपर का भाग है ये है अजोब सागर और नीचे ये है काला सागर, ये है अपनी कैस्पियन झील, ये है फारस की खाड़ी, ये है लाल सागर, लाल सागर को भूमध्य सागर से जो जोड़ने वाली नहर है कौन सी, स्वेज नहर। तो यहाँ है स्वेज नहर, जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है पनामा नहर, तो यहाँ पर है पनामा नहर, जो कि इधर से प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। अब जो मेन बेसिन की बात करें तो बेसिनों में आपसे पूछे अमेजन बेसिन कहाँ है, तो अमेजन बेसिन यहाँ पर आपको दर्शाना है अमेजन बेसिन दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। फिर आपसे पूछे कांगो बेसिन, तो कांगो नदी यहाँ बहती है तो यहाँ पर है कांगो बेसिन, जहाँ पर विश्व की सबसे नाटी कद की पिग्मी जनजाति निवास करती है। फिर पूछे आपसे
जनजातियों के बारे में कि एक्स एस्किमो जनजाति है उसका निवास क्षेत्र को आप मैप में दर्शाइए। तो जो एस्किमो जनजाति है उत्तरी कनाडा क्षेत्र में निवास करती है, ग्रीनलैंड में निवास करती है, और यहाँ पर जो उत्तरी साइबेरिया जो रूस है उसमें एस्किमो जनजाति निवास करती है। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में निवास करती है। बुशमैन जो जनजाति है यहाँ पर है कालाहारी मरुस्थल, तो यहाँ पर बुशमैन जनजाति निवास करती है। उसके बाद भारत में बात करें तो भारत में नागा जो जनजाति है यहाँ पर नागालैंड है उसमें निवास करती है। संथाल जनजाति भारत में यहाँ निवास करती है। भील मीणा गरासिया की बात करें तो ये भारत में राजस्थान में निवास करती है। तो ये जनजातियों के निवास क्षेत्र हो गए। मसाई जनजाति है वो अफ्रीका के पूर्वी भागों में यहाँ पर निवास करती है। मसाई जनजाति विश्व की एकमात्र जनजाति जो कि पशुओं का खून